वन पीस के प्रशंसकों, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी अपनी पसंदीदा एनिमे और मांगा श्रृंखला के सीजन 2 की लाइव एक्शन रूपांतरण के अपडेट के ऊपर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर, आज वह दिन है, मैं साझा करने वाला हूँ कुछ रोमांचक समाचार और घोषणा मिली है मुझे, तो इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में, जो कि ऑफिशियल नेटफ्लिक्स और वन पीस के पेज से निकल के आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसके रिलीज डेट की भी बात करने वाले सीजन 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनाउंसमेंट वीडियो देख लेते हैं।実写ドラマ版ワンピースシーズン1いかがだったでしょうか。ネットフリックスとトゥモロースタジオと一緒に長い間制作に取り組んできました。配信された作品を世界中の皆さんが楽しんでくれているようで、制作陣の苦労が報われて本当に良かったと思うし、その甲斐があったと感じます。ワンピースを長年好きでいてくれている皆さん、今回初めてワンピースを楽しんでくれた皆さん、本当にありがとうございます。配信から2週間、とてもいい知らせが届きました。なんとネットフリックスが続編の制作を決定しました。イニャキたち実写版麦わらの一味の冒険はまだまだ続きます。脚本が出来上がるまでまだまだ時間がかかりますので、気長にお待ちください。さて、ここから先は麦わらの一味に優秀な繊維が必要になってくる気がします。ご期待ください。जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर, आप में एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि डॉक्टर नाम से है, जो कि एनिमे और मांगा रीडर को आपको एकदम अच्छे से बखूबी पता है ये किस लेवल का करेक्टर है, जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एनिमे फॉलो नहीं किया इस वजह से, लेकिन जितना मुझे पता है उतना ये मल्टीवर्जन का करेक्टर है, जो कि अलग अलग रूप इसके देखने को मिलते हैं, जो कि इस वजह से ये मल्टीवर्जन का करेक्टर है। अब इसके आगे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैंने एनिमे फॉलो नहीं किया इस वजह से, लेकिन अब एनिमे जरूर फॉलो कर लूंगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके साथ में इस वीडियो के अंदर में क्या क्या और जानने को मिला और पता चला है हमें। स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो चुका है, और इस वजह से जो जल्दी से आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसका शूटिंग एंड प्रोडक्शन बाकी सब देखने को मिल जाएगा काम। लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी करना हो तो आपको राइटर और एक्टर का जरूरत पड़ेगा ही, तो इस वजह से आपको ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो कि राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक चल रहा है, तो इस वजह से आप चांसेस कम ही दिखिएगा, देख रहे हैं और मुझे भी दिख रहा है, आपको भी पता है। और लेकिन जितने रिपोर्ट बता रहे हैं कि 2025 के सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसे भी बता रहे हैं 2025 के समर तक भी आ सकता है। लेकिन आपको ज्यादा जैसे कि पता है ग्राफिक्स और विजुअल्स एकदम VFX जो है काफी तगड़े लेवल का है, इस वजह से आपको उम्मीद कम ही रखिएगा, तो 2025 के समर तक आ जाएगा, ज्यादा चांसेस रहेंगे 2025 के एंड तक आने का संभावना है, अगर ज्यादा VFX लेवल अप करते हैं तो आपको 2025 तक देखने को मिल जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक कर दीजिए यार, इंप्रेशन डाउन जा रहा है यार,